जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी ब्लैक स्क्रीन है, कैमरा सही करो। ओके ओके ठीक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान के बारे में। हाँ तो हम स्पॉइलर मैन और आप देख रहे हैं द स्पॉइलर मैन शो। लेने के देने पड़ गए ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आयुष्मान खुराना को दुनिया को देते देते खुद के ही पड़ गए लेने के देने। तो ये मूवी 16 प्लस है और ये वीडियो भी 16 प्लस है, तो अगर आप 16 साल से कम के हैं तो ये वीडियो को यहीं रोक दीजिए और लाइक करके चले जाना। मूवी में क्या है? मूवी में बहुत कुछ है, तो आज हम यही बताने जा रहे हैं कि इस मूवी में आखिर ऐसा क्या है जिससे आप लोगों को ये मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये जो मूवी के अंदर हमें आयुष्मान खुराना जो है वो हमें दिख रहे हैं एक लेते हुए केक के अंदर। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर के अंदर स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया गया है कि इसमें आयुष्मान खुराना जो है वो एक गे का रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ अपना ही समझने का और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है। हक तेरी तो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, तो इसमें लीड रोल में हम सबको नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, मीना गुप्ता और गजराज राव जैसे कलाकार हमें इस मूवी में कॉमेडी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये इसमें गे कौन है वो तो बताओ। इसके अंदर हमें गे के रोल में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार, ये दोनों इस मूवी में गे का रोल प्ले कर रहे हैं जिससे मूवी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अब बात करते हैं ये मूवी कैसी होगी। एक नंबर भाई, गे का कोई नंबर नहीं होता। अब साला मर्द और औरत के बीच वाले को तो अपन 6 बोल सकते हैं, पर अब इसको क्या नंबर देंगे? इसको 6 नहीं, इसको गे नंबर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की वजह से सेक्शन 377 तो हट चुका है, इसलिए गे और लेस्बियंस को ग्रीन चिट मिल चुकी है। हाँ लेकिन मेरे भाई, इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है साफ साफ ट्रेलर के अंदर कि इसके अंदर इस चीज को अपराध बताया गया है, तो इसका मतलब हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि इस मूवी में हमें पता चलेगा कि यार क्लीन चिट मिलने के बाद ये मूवी आ रही है वो भी अपराधों भरा इसमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर हमें तो इस मूवी में अब बेवकूफ़ी की कोई जगह नहीं दिखती है, बट फिर भी एक गे का कॉन्सेप्ट लेके ये जो मूवी चलाई गई है तो उसे देखकर तो हमें यही लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि लोगों को कुछ नया पसंद है। तो अब हम सब इस मूवी की गलतियां छोड़कर हम बस मूवी की कॉमेडी, उसके कॉन्सेप्ट और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग को पसंद करते हुए हम बस ये मूवी थिएटर में देखने जाएंगे। अच्छा तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ये मूवी सेक्शन 377 हटने के पहले की है? जी हाँ, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिखाया गया है, नीना गुप्ता साफ बोल रही है सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना वो अपने आंगन में फूट रहे हैं। इसी वजह से ये तो बात साफ है कि ये सेक्शन हटने से पहले की कॉन्सेप्ट है। हाँ तो अब बात करते हैं क्या ये मूवी हम फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन अगर आते टाइम जूते पड़े तो हमारी गारंटी नहीं। अब ऐसी मूवी भी आना बाकी रह गया, साला बॉलीवुड के पास अब कुछ बचा ही नहीं। साला अब एक टाइम था जब हम फैमिली के साथ बैठकर मूवी देख सकते थे, अब तो वो भी खत्म हो गया। साला अब सिनेमा जाते वक्त अगर फैमिली में से किसी ने पूछ लिया कि भाई कौन सी मूवी देखने जा रहा है तो बताने लायक भी नहीं कि गेम मूवी देखने जा रहे हैं, तो ऐसी मूवी दिखाने से क्या होगा। लोगों की सोच बदलेगी। मेकर्स भी कुछ इसी तरीके से इस मूवी में हमें दिखाना चाहते हैं, भले ही 377 सेक्शन हटा दिया गया है बट फिर भी आज भी फैमिली जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उनका बेटा गे हो, क्योंकि इस चीज को इंडिया कल्चर अभी भी अलाउ नहीं करता है। कितनी मूवी दिखा दो लोगों की सोच घंटा बदलेगी। तो अब आप सब क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में और इसकी गे वाले नए कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जब हम ही बताएंगे तो आप क्या कमेंट्स करोगे? तो बच्चे आप लोग अभी तक नहीं गए, चलो अब कमेंट्स करके बताओ इस मूवी के बारे में। अरे वीडियो लंबी है, खत्म करो। मूवी को सिनेमा तक देखने जाने की आपकी यात्रा शुभ मंगल हो। इस मूवी को देखने के लिए सिनेमा तक यात्रा आपकी शुभ मंगल हो और मूवी देखने के बाद अपने दोस्तों से रहें ज्यादा सावधान। तो इसलिए इस मूवी का नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्पॉइलर मैन शो को। अगर वीडियो